पूरे खौफ में है इसराइल, ईरान का एटम बम तैयार। कई दिनों से बातें और दावे हो रहे हैं कि ईरान इसराइल से हश इस्माइल हानिया की हत्या का बदला जरूर लेगा, लेकिन हानिया की हत्या के 16 दिन बाद भी ईरान ने इसराइल पर एक भी गोली नहीं चलाई है। सवाल उठता है, आखिर ईरान इसराइल पर हमला करने में इतना वक्त क्यों ले रहा है? इसका एक जवाब यह है कि ईरान इसराइल पर एक बड़ा परमाणु हमला करना चाहता है ताकि इसराइल को पलटवार का मौका ही न मिले। ईरान से जुड़ी सनसनीखेज खबरों ने इसराइल को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तक ईरान की एटमी तैयारियों से हैरान है। इंटरनेशनल मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार ईरान इसराइल पर हमला करने से पहले एक जबरदस्त परमाणु धमाका करने की योजना बना रहा है ताकि इसराइल और उसके सहयोगियों को कड़ा संदेश दिया जा सके। अगर इसराइल ने ईरान को दूसरा गाजा बनाने की कोशिश की तो ईरान इसराइल को परमाणु बम से तबाह कर देगा। खबरें यह भी हैं कि ईरान अंदर ही अंदर परमाणु बम से बड़ा हमला करने की तैयारी में जुटा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने चुनिंदा टॉप कमांडरों को आदेश दिया है कि वे इसराइल पर एटम बम से हमला करें। इसराइल की परमाणु तैयारी को देखते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग की जिसमें इस स्थिति पर चर्चा की गई कि अगर ईरान इसराइल पर परमाणु हमला करता है तो इसराइल अपने बचाव के लिए क्या कदम उठा सकता है। खबरों के मुताबिक ईरान लगभग 12 परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है जो पूरे मिडिल ईस्ट और खास तौर पर इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। ईरान के पास 48 से अधिक बंकर हैं जिनमें घातक मिसाइलें तैनात हैं। ईरान और इसराइल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर है, इसलिए ईरान को ऐसी मिसाइलों की जरूरत है जो इसराइल को एक ही हमले में ध्वस्त कर सकें। चीन और रूस ने ईरान को सलाह दी है कि वह बड़े हमले से पहले पूरी तैयारी करे। खासतौर से ईरान को 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलों से लैस करने की योजना पर काम हो रहा है ताकि इसराइल को पलटवार का मौका न मिले। चीन और रूस ने ईरान को पूरी तरह समर्थन देने का आश्वासन दिया है। खबरों के अनुसार रूस ने अपने लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान को परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें भी पहुंचा दी हैं। यदि ईरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इसराइल पर हमला किया तो इसराइल को कोई नहीं बचा सकता। रूस ने ईरान को स्कंदर मिसाइल सिस्टम दिया है जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। रूस से मिली इस मदद ने ईरान को जबरदस्त मिसाइल शक्ति दे दी है। इसराइल के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी ईरान ने रूस की मदद से पूरी कर ली है। ईरान के IRGC कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघरी और रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोगो के बीच हुई गुप्त बैठक में रूस ने ईरान की सभी मांगें मान ली हैं। रूस ने ईरान को परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें और नेविगेशन सिस्टम भी दे दिए हैं। अब ईरान इसराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को सीरिया और लेबनान में गुप्त ठिकानों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इसराइल पर हमले की रणनीति तैयार कर ली है जिसमें तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर हमला किया जाएगा। इसराइल पर ईरान के इस संभावित हमले को रोकने के लिए दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हैं।